एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट की पैक एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। ऊपर आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें वर्ड्स हैं ओन, अंडर, नियर, फार। इनको आपने देखना है कि कौन सा वर्ड कौन सी ब्लैंक में फिल होगा। साथ में आपने पिक्चर भी देखनी है, कौन सी चीज़ कौन सी पोजीशन में है, तो उन पिक्चर को देख के आपने फिल करनी है अपनी ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है नंबर वन, द एप्पल्स आर केप्ट डैश द टेबल। एप्पल जो हैं टेबल की किस पोजीशन में पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं टेबल पे? ओन, ऊपर पड़े हैं ना, ओन। क्या कहेंगे? ओन। द एप्पल्स आर केप्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है एप्पल। क्लियर? फर्स्ट में आएगा ओन। सेकंड है रीना स्टेज डैश माय हाउस। रीना मेरे घर के कहाँ पर रहती है? ये देखिए पिक्चर देखिए, माय हाउस है, रीनाज हाउस एंड पीटर्स हाउस। तो आप इस पिक्चर को देख के बताइए, रीना स्टेज डैश माय हाउस, रीना मेरे घर के पास में रहती है। तो क्या कहेंगे हम उस वर्ड को, पास को क्या कहेंगे? नियर, एन ई ए आर, नियर। नेक्स्ट थर्ड, पीटर्स हाउस इज डैश फ्रॉम माय हाउस। पीटर का हाउस, पीटर का घर मेरे घर से कहाँ पर है? दूर है, दूर है ना। ये माय हाउस, ये पीटर हाउस, तो क्या होगा? फार, दूर है। तो क्या कहेंगे उस वर्ड को हम? फार, एफ ए आर, फार। नेक्स्ट फोर्थ है, द बॉल इज लाइंग डैश द टेबल। बॉल जो है वो टेबल के कहाँ पर लाए कर रही है, कहाँ पर है बॉल? टेबल के नीचे, नीचे है ना बॉल, पिक्चर देखिए। तो क्या आएगा? अंडर द टेबल, द बॉल इज लाइंग अंडर द टेबल, यू एन डी ई आर, अंडर। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपने इस पिक्चर को देखना है, ओके, और साथ में आपने नीचे दिए फिल इन द ब्लैंक्स जो है, जो नीचे आपको ब्लैंक्स दिए हैं उनको फिल करना है विद द हेल्प बॉक्स। ठीक है, हेल्प बॉक्स में कौन कौन से वर्ड हैं? अप, डाउन, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है अमन इज क्लाइंबिंग डैश द स्टेप्स। साथ में पिक्चर भी देखिए, अमन जो है वो स्टेप्स को क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है ना, तो क्या कहेंगे? अप। अमन इज क्लाइंबिंग अप द स्टेप्स, वो स्टेप्स ऊपर की तरफ वो जा रहा है। सेकंड, कृति इज स्लाइडिंग डैश द स्लाइड। कृति क्या कर रही है? स्लाइड से किस तरफ आ रही है, किस पोजीशन में आ रही है? डाउन, नीचे आ रही है ना, स्लाइड से नीचे आ रही है, डाउन। क्या कहेंगे? डाउन द स्लाइड, स्लाइड से नीचे आ रही है। नेक्स्ट है थर्ड, हैरी इज स्टैंडिंग डैश फिज़ा। हैरी फिज़ा से कहाँ खड़ा है? ये है हैरी और ये है फिज़ा। ठीक है, हैरी की पोजीशन क्या है? फिज़ा के बाद में। तो क्या कहेंगे? हैरी इज स्टैंडिंग आफ्टर फिज़ा। हैरी जो है फिज़ा के बाद में खड़ा है, हम क्या कहेंगे? आफ्टर, आफ्टर कहेंगे। हैरी इज स्टैंडिंग आफ्टर फिज़ा। नेक्स्ट फोर्थ, अली इज स्टैंडिंग डैश फिज़ा। अली जो है फिज़ा से पहले खड़ा है, पहले है ना, तो क्या कहेंगे इसको? बिफोर, अली इज स्टैंडिंग बिफोर फिज़ा। पहले को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वर्ड क्या होती है? वो बिफोर। नेक्स्ट फिफ्थ है, फिज़ा इज स्टैंडिंग डैश हैरी एंड अली। जो गर्ल फिज़ा है वो अली एंड हैरी के कहाँ पर खड़ी है? बटवीन, बीच में खड़ी है ना दोनों बॉयज़ के, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? बटवीन। क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में आ गई हो। ओके, थैंक यू।